आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। ये बताइए, सरकार ने सिरसम की खरीद कर ली है और खरीद अभी बंद भी हो गई है, तो आप इतने लेट सिरसम निकलवा रहे हैं, तो आप किस तरीके से सिरसम बेचेंगे? ये तो सरकार ने तो हमेशा ही नौटंकी की है। सरकार कभी किसानों की सिरसम खरीद नहीं पाती है। सरकार तो व्यापारियों की है, पूंजीपतियों की है सरकार। तो आप ये देख सकते हैं, आज की ये सिरसम आने के लिए है। यहाँ पर लुहारू क्षेत्र के अंदर बरसात हो गई थी 15 दिन पहले, तो ये सिरसम में देरी हो गई निकालने में। और सरकार की डेट तो आज लास्ट है, कल लास्ट होगी। जमींदार तो सिरसम बेच ही नहीं पाएगा। आप ये बताइए कैसे बिकेगी ये सिरसम? तो आप क्या रवैया अपनाएंगे आगे सिरसम में? हमें ये रवैया अपना चाह रहे हैं कि किसानों की सिरसम दाना के दाना खरीदी जाए। हाँ। और सरकार हमेशा किसानों को वर्जित करती है कि सरकार दाना के दाना खरीदेगी। कहाँ खरीदेगी सरकार, आप ये बताइए। सही बात है। तो आपने सिरसम पहले नहीं निकलवाई, इससे क्या वजह है? गिल्ली होगी ना, बरसात की वजह से गिल्ली होगी। ट्रैक्टर देखो अभी दब रहा है। अच्छा, चल नहीं पा रहा है। सिरसम गिल्ली हो गई थी और सरकार ने सिरसम की खरीद बंद कर दी। हाँ। इसलिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ेगा, हमें तो 3500 या 3400 बेचनी पड़ेगी ये सरकार। अच्छा, अब सरकार से अब क्या मांग करेंगे? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, किसान की, हर किसान की सिरसम बिकनी चाहिए और व्यापारियों की जो सिरसम बिकी है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, व्यापारियों की सिरसम बेची उसमें जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको धांधली का आरोप आशा लग रही है उस पर? धांधली हो रही है, धांधली के आरोप आशा लग रही है। नहीं है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जमींदारों की सिरसम तो खेत के अंदर है अभी तो। अच्छा, ठीक है। और कितनी सिरसम बची हुई है? पूरी सिरसम बची हुई है आपकी? नहीं, आधी आधी निकाल ली, आधी आधी बच रही है। अच्छा, लेकिन सरकार को वो भी तो लेनी चाहिए। आप सिरसम जाए कहाँ से? है ना, अन्नदाता की सिरसम तो एक एक दाना का दाना। हाँ, दाना का दाना। तो आप जो किसान सभा से क्या मांग करेंगे कि आपकी जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचे? मैं किसान सभा से ये मांग करूंगा कि जितने भी किसान भाई हैं, हाँ, अगर सरकार सिरसम बंद कर देती है खरीद, तो किसानों को इस सरकार के विरोध में वोट करना चाहिए। अच्छा। अभी टाइम है, टाइम रहते हुए चेत लो, नहीं तो 5 साल दुखी होना पड़ेगा। 5 साल पीछे रह जाओगे, 5 साल पीछे और रह जाएंगे किसान। तो किसानों में भारी रोष है अभी? बिल्कुल रोष है। और आज बैल के अंदर पंचायत है, उसका भी मैसेज आएगा, वहाँ भी जाएंगे हम। और सभी किसान भाइयों से मैं कहता हूँ, ये मौका पड़ी है इस एरिए में। पहले बरसात हो गई थी, इसी वजह से रुक गई थी। पूरी रात दिन टाइम नहीं मिलता है निकाल नहीं पाए। अभी चालू हुआ है निकालना, अभी बहुत सिरसम बची हुई है, बहुत बची हुई। सरकार को अभी एक एक दाना खरीदना चाहिए, एक एक दाना खरीदना चाहिए सरकार को किसानों के लिए। आज बैंक के अंदर किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आप ये बताइए, किसान अपना काम छोड़ करके जा रहे हैं, अपने दुख के अंदर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकार को बताने के लिए एक भी जमींदार के पास टाइम नहीं है। कोई तूड़ी घेरता है, कोई गेहूँ अंदर घेरता है, कोई सिरसम निकालता है, कोई कुछ करता है, कपास बिजाई का टाइम आ रहा है। आप ये बताइए, किसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान से तो हमेशा पिसता है किसान तो। आज से पूर्व में 15 साल पहले सरकार थी, जो वो कहती थी कि दाना का दाना ले आओ, एक एक दाना का दाना खरीदा जाया करता। लेकिन अब तो सरकारें इतनी वो आ गई हैं, बस पूछो मत। किसान विरोधी सरकारें हैं ये, बिल्कुल किसान विरोधी सरकारें हैं। मतलब किसानों की हालत खस्ता कर दी है इन्होंने? बिल्कुल खस्ता कर दी है इन लोगों ने। किसान देसी नहीं है, व्यापारी देसी सरकार है ये, बिल्कुल व्यापारी। GST लगा दी है सरकार ने, एक भी बिल नहीं मिलता। अधिकारियों को भी पता है, CID को भी पता है, कौन बिल देता है बताओ? जमींदार के ऊपर पड़ता है बहुत। हम ट्रैक्टर का ये तो चाहते हैं, हमें कोई भी बिल नहीं देता। हाँ। और GST लगा वो महंगा दे देते हैं, फार्म भी नहीं देते लोग। व्यापारी जी फार्म भी नहीं देते, कानून सर को जी फार्म देना चाहिए किसान को। मतलब मनमानी चल रही है, जी फार्म नहीं देते। मैंने पीछे बोल दिए क्यों, आज तक मुझे जी फार्म नहीं मिला है। इस बार मार्केट कमेटी में उन व्यापारियों कह चुका हूँ। मतलब मार्केट कमेटी में बड़े स्तर पे धांधली चली हुई है। हाँ, बड़े स्तर पे धांधली चली है, मिले हुए व्यापारियों से, जी फार्म नहीं दे रहे। नियम अनुसार जी फार्म देना चाहिए, इसे पता लगे कि असल में किस किसान की है। यदि जी फार्म देते हैं तो उनका पता लग जाता है कि उसमें एड्रेस होता है किसान का, हरियाणा का है या व्यापारी है, कौन है। मतलब लोहारू मार्केट कमेटी का ना जी फार्म लोगों को वेट कम कर रहा है। काटा उनका खुद का है, ठेके पर ले रखा है, किसान का वेट कम कर रहे हैं। 10-10, 15-15 किलो एक एक क्विंटल के अंदर। अच्छा अच्छा, इतनी धांधली है इसके अंदर, वजन के अंदर खा रहे किसान को, हर तरह से खा रहे हैं।
ऊपर से धमकी देते हैं कि इसको धार लगाएंगे, आली है, वो है, ये बहाना बना के किसान को मजबूर कर देते हैं 3500 रुपये में लेने के लिए। वो छोड़ के भाग जाता है बेचारा आखिरी, भाई ले ले तू 3500 रुपये मेरी, और आप उसको 4500 बेचते हैं। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाँ, वजह से ना उसमें पानी की सुविधा, गौरव मंडी में देखिए आप ना, उनको बेचने की जगह, मार्केट कमेटी का रेस्ट हाउस है, उसमें हरियाणा का DSP रुकता है, आप इसे 30 साल से उसका रेजिडेंस बनाया हुआ है, किसान के लिए रेस्ट हाउस जो बनाया हुआ है मार्केट कमेटी का, उसमें DSP रहता है, अपना घर बसा रखा है उसने 30 साल से। नहीं, ये सरकार बताइए, ये सब व्यापारियों से जी फार्म देते नहीं, 20 बार चक्कर काट दिए मैंने, क्यों क्या जी फार्म नहीं मिला मुझे आज तक बताओ, 70 क्विंटल क्यों बेची है मैंने मार्केट में, आपको फार्म नहीं दिया गया अभी तक, फार्म नहीं है, गट्टू बाणिया बोलते हैं, गट्टू। अच्छा, गट्टू बाणिया है उसकी एक, वो है वो एक RSS का, क्या नाम उसका, क्या चुनीलाल, यहाँ का जो कुछ कर रहा है वो चुनीलाल कर रहा है, वो कहता अपने आपको मैं RSS का मालिक हूँ यहाँ का, द्वारू का, कमेटी वाले डरते बेचारे उससे। अच्छा, और वो गट्टू बाणिया के फर्म बना रखी है नकली, और उससे सब कुछ बेच रहा हूँ ना जी फार्म, लोगों को वेट कम कर रहा है, काटा उनका खुद का है, ठेके पर ले रखा है, किसान का वेट कम कर रहे हैं 10-10, 15-15 किलो 1-1 क्विंटल के अंदर। अच्छा अच्छा, इतनी धांधली है इसके अंदर, फसल के अंदर खा रहे किसान को, हर तरह से खा रहे हैं, ऊपर से धमकी देते हैं कि इसको धार लगाएंगे, आली है, वो है, ये बहाना बना के किसान को मजबूर कर देते हैं 3500 रुपये में लेने के लिए, वो छोड़ के भाग जाता है बेचारा आखिरी, भाई ले ले तू 3500 रुपये मेरी, और आप उसको 4500 बेचते हैं। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाँ, वजह से ना उसमें पानी की सुविधा, गौरव मंडी में देखिए आप ना, उनको बेचने की जगह, मार्केट कमेटी का रेस्ट हाउस है, उसमें हरियाणा का DSP रुकता है, आप इसे 30 साल से उसका रेजिडेंस बनाया हुआ है, किसान के लिए रेस्ट हाउस जो बनाया हुआ है मार्केट कमेटी का, उसमें DSP रहता है, अपना घर बसा रखा है उसने 30 साल से। नहीं, ये सरकार बताइए, ये